ध्यान का प्रथम अनुभव। जब आप पहली बार ध्यान साधना शुरू करेंगे तो पहले आप मानसिक रूप से पूरे तैयार रहें इस अनुभव के लिए। कोई पूर्व धारणा नहीं बांधनी कि क्या अनुभव होगा और ध्यान कैसा रहेगा। बस आप सरेंडर होकर बैठ जाएं, आरामदायक स्थिति पसंद करें। यह ध्यान साधना बैठकर की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस साधना को करने के लिए हमेशा अपनी एक उचित जगह बनाए रखें, आसन बनाए जिस पर आप रोज बैठकर ध्यान कर सकते हैं। हालांकि इसे आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, पर जब तक आप अपने रूटीन में हो तब एक ही आसन और एक ही जगह का उपयोग ज़्यादा लाभदायी होगा। आप चाहे तो अपने कमरे में अगरबत्ती जला सकते हैं या एक टी लाइट कैंडल भी रख सकते हैं। हो सके तो ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आसन पर आरामदायक स्थिति में बैठे। बुजुर्ग चाहे तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। जो आसन पर नीचे बैठ सकते हो वो नीचे सुखासन में यानी पलांठी मारकर बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ध्यान रहे कमरे में हल्का सा अंधेरा हो और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पर रखें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, एकदम ढीला। बहुत ही आरामदायक स्थिति में शरीर के सारे तनाव को दूर करें। मन को दोनों पैरों के अंगूठे पर ले जाएं। पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ें। सारे तनाव को दूर करते जाएं। मन को धीरे धीरे दोनों पैरों के घुटने पर लाएं। दोनों घुटनों को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे मन को ऊपर की तरफ लाएं। कमर और पीठ को सीधी रखें। रीढ़ की हड्डी एक सीधी रेखा में हो। तनाव को दूर करें। पूरा ध्यान शरीर के अलग अलग हिस्सों में मेरी आवाज को सुनते जाइए। ध्यान को अपने दोनों कंधों पर लाएं। दोनों कंधे रिलैक्स्ड, दोनों बाजुएं रिलैक्स्ड करें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। हाथ की उंगलियों को हथेली को ढीला छोड़िए। एकदम आरामदायक स्थिति में अब ध्यान गर्दन पर ले आए। गले और गर्दन के स्नायुओं को ढीला छोड़ दें। मन में आ रहे सभी विचारों को आने दें, ना उस पर ध्यान दें, ना उसे दूर करने की कोशिश करें। ध्यान पूरा मेरे निर्देशों के अनुसार शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाएं। अब संपूर्ण ध्यान चेहरे के स्नायुओं पर। आंखें एकदम आरामदायक स्थिति में। आईलैशेस आईलिड्स रिलैक्स्ड। दोनों आईब्रोज रिलैक्स्ड लूज। फोरहेड लूज एंड फ्री करें। कपाल के तनाव को दूर करें। कानों को ढीला छोड़ें। दोनों होंठ एकदम ठीक।
दांतों को ढीला छोड़ दी और जीभ को आराम दी। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड, सारा तनाव दूर हो चुका है, मन एकदम शांत हो रहा है, विचार शून्य हो रहा है। ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। सांसें अंदर और बाहर, सांसें अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर। अब एक गहरी सांस लें और उसे धीरे से बाहर छोड़ें। अब एक और गहरी सांस से बाहर, एक और गहरी सांस और धीरे से बाहर। अब आरामदायक सामान्य सांस महसूस करें। जो सांस अंदर जा रही है वह अपने साथ वातावरण में से प्राण की ऊर्जा को अंदर लेकर जा रही है और बाहर निकलती सांस शरीर के अंदर के सारे स्ट्रेस को बाहर फेंक रही है। अब आप और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। जाती हुई सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। कुदरत की जो ऊर्जा, जो प्रकाश वह अपने साथ अंदर लेकर जा रही है, वह नाभि के आसपास एक प्रकाशित ऊर्जा का वर्तुल बना रही है। महसूस करें आपकी नाभि के आसपास ऊर्जा का, प्रकाशित ऊर्जा का एक वर्तुल बन रहा है। यह वर्तुल आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है। शरीर के एक एक हिस्से में यह ऊर्जा स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। महसूस करें यह प्रकाशित ऊर्जा अपने आप शरीर के उस हिस्से तक जा रही है जिसे अधिक मात्रा में हीलिंग की जरूरत है। आपके शरीर का वह हिस्सा जो मदद के लिए पुकार रहा है, यह ऊर्जा अपने आप शरीर के उस हिस्से तक पहुंच रही है। यह प्रकाश, यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। जो आपके शरीर के उस हिस्से को हील कर रही है जहां पर ऊर्जा की कमी है, बस इसे होने दें। आप दृष्टा बनकर देखते रहें। यह प्रकाश, यह ऊर्जा अपना काम करती रहेगी। कुछ देर बस बैठे रहें, इसे अपना काम करने दें। इस ऊर्जा को अपना काम पूरे तरीके से करने दें। देखें शरीर का वह हिस्सा धीरे धीरे हील हो चुका है,
वह अपनी सामान्य स्थिति में आ रहा है। आप बस इसे देखते रहें। जब यह अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर ले, जब यह शरीर का हिस्सा पूरे तरीके से हील हो जाए, तब आप अपना योग्य समय लेते हुए बड़े आराम से आंखें खोल सकते हैं। बिल्कुल भी जल्दी ना करें। इस अवस्था में, इस स्थिति में कुछ देर बैठे रहें, इस शांति को महसूस करते रहें, इस प्रकाश को अपने शरीर के अलग अलग हिस्से में फैलने दें। देखें अगर शरीर का कोई और हिस्सा मदद के लिए बुला रहा हो, जहां इसे हीलिंग की जरूरत हो, तो इस प्रकाश को शरीर के उस हिस्से में जाने दें। यह अपने आप होगा, आप इसे होने दें। धैर्य बनाए रखें। योग्य समय लेते जब भी आपको लगे कि अब आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, तब बड़े आराम से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब भी आप अपनी आंखें खोलेंगे, बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, खुद को हील हुआ महसूस करेंगे।